बेटा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मॉस्किटो स्प्रेडिंग डिजीज़ के बारे में, जिसमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हमारा मेन डिजीज़ है। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे मलेरिया की। ऑल दो मलेरिया इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, द डिजीज़ कॉज मिलियन ऑफ द डेथ एवरी ईयर, स्पेशली इन अफ्रीकन रीजन। मलेरिया क्या है? प्रिवेंटेबल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योरेबल सिक्योर कर सकते हैं। द डिजीज़ कॉज मिलियन ऑफ द डेथ, इस डिजीज़ की वजह से कई लाख लोग हर साल उनकी डेथ हो जाती है, और स्पेशली कहाँ होता है? अफ्रीकन रीजन में। अफ्रीकन रीजन में ये जनरली होता है। अ पेशेंट सफ़र फ्रॉम लो टू हाई ग्रेड फीवर। जब इसके जो करैक्टर हैं वो क्या होते हैं, उनका फीवर आना होता है, बॉडी एग्स, बॉडी में दर्द होता है आपके, सिवरिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये कुछ करैक्टर हैं जो किसमें आपके प्रेजेंट होते हैं, मलेरिया पेशेंट में ये करैक्टर आपके प्रेजेंट होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइमली मेडिसिन लेनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, है ना। नंबर नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस। ये स्पेशली डेंगू वायरस के द्वारा कॉज्ड की जाती है, और ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ में ही आता है। इट अकर्स मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इट कॉजेज हेडेक, इसकी वजह से क्या होता है, हेडेक होता है, सेवर ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द होता है, बॉडी में जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द होता है, नोशिया एंड हाई फीवर, और इनमें हाई फीवर भी होता है। डेंगू फीवर हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर थाउजेंड ऑफ डेथ इन इंडिया। डेंगू फीवर की वजह से ही कई हज़ार मौतें अपने भारत में हो जाती हैं। चिकनगुनिया, नंबर थर्ड, चिकनगुनिया। दिस फीवर कॉजेज एक्यूट ज्वाइंट पेन विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज हेल्पफुल बट नॉट डेडली, है ना। इससे ज्वाइंट पेन होते हैं वो ज़्यादा होता है, विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत दिनों तक क्या होता है आपका चलता है। इट इज़ पेनफुल, ये दुखदाई होता है, इसमें दर्द बहुत होता है, बट नॉट डेड, लेकिन हाँ इसकी वजह से कभी डेड नहीं होती है, डेथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। कैसे करके हम मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ को क्या करेंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट है मेक श्योर दैट द विंडोज एंड पुअर डोर स्क्रीन ऑफ होम आर इन गुड शेप टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो। सबसे पहला होता है कि हम अपने घर की विंडो और डोर को क्या करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वहाँ पे मॉस्किटो की एंट्री ना हो पाए। जाली वगैरह लगा लेते हैं, नेट लगा लेते हैं, है ना। तो वो सब कुछ लगाने का मीन यही होता है कि उसके अंदर से मॉस्किटो एंटर ना करें। एम्प्टी एनी आइटम दैट कैन होल्ड वाटर सच एज टब्स, टायर्स, पॉट्स, बकेट्स। पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, वाटर को इकट्ठा नहीं होने देना है। तो जहाँ भी वाटर हमारा क्या होता है, होल्ड हो रहा होता है, जहाँ भी वाटर रुका हुआ होता है, उन सभी जगह पे हम क्या करेंगे, उन सभी जगह को खाली कर लिया जाएगा। क्लियर? और उनको खाली कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारे क्या होंगे, मॉस्किटो प्रिवेंट नहीं, मॉस्किटो वहाँ पे नहीं आएंगे, और जब मॉस्किटो नहीं आएंगे तो हम क्या होंगे, कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स भी मिलेगा। क्लीन रेन वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द रूफ टॉप, अपनी छत पे रेन वाटर को नहीं जमा होने देना है, उसे साफ़ करते रहना है। नेक्स्ट, रिमूव अनयूज्ड आइटम फ्रॉम ओपन दैट कुड कलेक्ट रेन वाटर। जो आइटम, जो चीज़ें जो हमारे रेन वाटर को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, उनको बंद कर देना है। ट्राई टू वाटर फुल स्लीव्ड शर्ट एंड फुल पैंट्स व्हेन यू आर आउटसाइड। हमेशा फुल आस्तीन की शर्ट पहननी चाहिए और फुल पैंट पहननी चाहिए जब भी आप कहीं
बाहर जा रहे हों, है ना। हमारी बॉडी का कम से कम पार्ट खुला हुआ होना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड इनसाइड एंड अराउंड द हाउस, अपने घर के चारों तरफ और घर के अंदर इंसेक्टिसाइड का क्या करना चाहिए, हमें स्प्रे करना चाहिए। यूज मॉस्कीटो रिपेलटेंट लोशन, मॉस्कीटो रिपेलटेंट लोशन जो होते हैं उनका यूज करना चाहिए, और स्पेशली मॉस्कीटो नेट का यूज करना चाहिए। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो उस समय हम अपने फोल्डिंग्स पे या अपने चारपाई पे क्या लगाएं, मॉस्कीटो नेट का यूज करें कंपलसरी बेसिस पे। ओके okay?